हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पगाल। आज हमारी वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन डॉग ब्रीड के ऊपर, जिसका नाम है मडहोल हाउंड और उसे कार्बन हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो को हम टोटल 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजिन, सेकंड पॉइंट क्वालिटी, थर्ड पॉइंट क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है, और फोर्थ पॉइंट प्राइस। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है हिस्ट्री एंड ओरिजिन। इस डॉग ब्रीड का ओरिजिन है डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, बॉर्डर जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे। इस डॉग ब्रीड की कैनल क्लब ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल कैनल क्लब ने अलग अलग नामों से रिकॉग्नाइज करा हुआ है। कैनल क्लब ऑफ इंडिया ने इसे कार्बन हाउंड के नाम से रजिस्टर्ड करा है और इंडियन नेशनल कैनल क्लब ने इसे मडहोल हाउंड के नाम से रजिस्टर्ड करा है। इस डॉग ब्रीड को क्रिएट करने के पीछे रीजन था एक प्रॉपर हंटिंग डॉग बनाना, एक बहुत अच्छा हंटिंग डॉग बनाना और वो हार्ड कंडीशंस में वो जिंदा रह सके, वो बनाना, एक हार्ड डॉग बनाना, और जिस चीज में वो कामयाब भी हुए हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है क्वालिटी। इस डॉग ब्रीड का शॉर्ट कोट होता है, इसकी मजल लॉन्ग होती है, इसकी जो बॉडी होती है प्रोपोर्शनेटली लॉन्ग होती है दूसरी डॉग ब्रीड्स के कंपैरिजन में। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इसकी और मस्कुलर बॉडी होती है जो हेल्प करती है इसे तेज भागने के अंदर। इसके कलर्स बताता हूं मैं, इसके ये कलर्स में आता है ब्लैक कलर में, व्हाइट कलर में, ब्रिंडल, फोन और चॉकलेट कलर में अवेलेबल होता है। इसकी मैं हाइट बताता हूं, 28 से 32 इंचेस मेल की हाइट है और 26 से 29 इंचेस फीमेल। वेट है इसका 22 से 28 केजीस। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है कि क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस हिसाब से आप देखना कि आपके लिए डॉग परफेक्ट है या नहीं है। पहला पॉइंट ग्रूमिंग। इस डॉग का शॉर्ट कोट होता है तो इसको कम से कम मंथ में एक बार बेदिंग करानी जरूरी है और वीकली आप ब्रशिंग कर सकते हो, वो इसके लिए इनफ है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था हंटिंग डॉग ब्रीड है, वर्किंग ब्रीड है डॉग्स की, तो इसको ज्यादा टाइम चाहिए एक्सरसाइज के लिए। कम से कम 2 घंटे इसको टाइम चाहिए, क्योंकि इसको कैलोरीज बर्न करनी है अपनी, और तभी ये हेल्दी रहेगा, नहीं ओवरवेट हो जाएगा और अनहेल्दी हो जाएगा आपका डॉग। ये बच्चों के साथ अच्छी तरीके से रहता है, फैमिली के साथ अच्छी तरीके से रहता है, इसको सोशलेबल बनाओ तो। स्ट्रेंजर्स के साथ ये अच्छा नहीं है, तो इसको आप एक बहुत अच्छा वॉच डॉग और गार्ड डॉग की तरह यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है प्राइस। इस डॉग का प्राइस है 10,000 से 15,000 के बीच में आपको एक अच्छी ब्रीड मिल जाएगी। ये इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के।